गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर फर्स्ट एब्सेंट एलजेब्रा अमूर्त बीजगणित में यूनिट नंबर थर्ड रिंग्स वले गुणांक के प्रांत और क्षेत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वले की डेफिनेशन और वले अलग अलग टाइप के वले, तत्समकी वले, क्रमविनिमेय वले, शून्य भाजक सहित वले, शून्य भाजक रहित वले की डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम आज इस क्लास में लास्ट क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। बची हुई जो डेफिनेशन है गुणांक के क्षेत्र, गुणांक के प्रांत और क्षेत्र एरिया, उनकी डेफिनेशन भी क्या करेंगे, एरिया की फील्ड, उनकी डेफिनेशन भी हम क्या करेंगे आज कंप्लीट करेंगे। देखो, और उससे पहले हम करेंगे दिन का एक एग्जाम्पल, क्या करेंगे एग्जाम्पल्स करेंगे दिन का। देखो, एग्जाम्पल देखो, एक आर कोई समूह दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 और बोला कि आर प्लस 5 और डॉट 5 एक वले है। क्या बोला उसने कि आर 0, 1, 2, 3, 4 ये एक समुच्चय है आर, ठीक है, वास्तविक संख्या और समुच्चय नहीं, ओनली आर का समुच्चय। तो मुझे प्रूफ करना है कि आर प्लस 5 और डॉट 5 क्या होगी, एक वले होगी। पहले क्या होगी, मैं दोनों की टेबल बना लूंगा। देखो, पहले इसकी टेबल यहां पे प्लस 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ठीक है। देखो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, 5 आते हैं 5 माइनस कर देंगे 0, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 5 0, 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 5 1। आगे देखो, थ्री प्लस जीरो थ्री, थ्री प्लस वन फोर, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव में से फाइव किया तो जीरो। ये चीजें मैं ये प्लस फाइव और डॉट फाइव ये तुम्हें निकालना बता चुका हूं। पहले ग्रुप का जब किया था क्वेश्चन, उसमें एक एग्जांपल किया था, एक ही क्या दो या तीन एग्जांपल किए थे ऐसे ग्रुप में, ठीक है, तब मैं ये सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। कैसे आ रही है, 3 प्लस 3 6, 6 में से 5 किया तो 1, 3 प्लस 4 7, 7 में से 5 किया तो 2। क्या होता है इसमें कि इन दोनों को ऐड करोगे तो यदि 5 से ज्यादा आ जाएगा तो आप 5 को उसमें से घटा देंगे, ये होती है प्लस 5 चलती है। 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 5 में से 5 किया 0, 4 प्लस 2 6, 6 में से 5 किया 1, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 किया 2, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 किया 3। ये बन गया अपने प्लस 5 की। अब हम बनाएंगे उसकी डॉट के लिए,
डॉट फाइव जीरो वन टू थ्री फोर जीरो वन टू थ्री फोर। देखो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, जीरो को वन से किया जीरो 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 जीरो, वन को जीरो से किया तो वन जीरो, वन को वन से किया वन, वन को टू से किया टू, वन को थ्री से किया थ्री, वन को फोर से किया तो फोर, टू को जीरो से किया जीरो, टू को वन से किया टू, टू को टू से किया फोर, टू को थ्री से किया सिक्स, सिक्स टू फाइव माइनस कर देंगे वन, टू को फोर से किया एट, एट टू फाइव माइनस कर देंगे तो थ्री, थ्री को जीरो से किया जीरो, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स आया तो फाइव माइनस तो वन, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस फाइव फोर, थ्री फोर जा ट्वेल्व, फाइव करेंगे सिक्स सेवन आएगा, थ्री फाइव माइनस करेंगे टू आ जाएगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस फाइव क्या तो सेवन, सेवन आ गया फाइव से बड़ा है, थ्री फाइव माइनस कर दो टू आ गया, फोर जीरो जा जीरो, फोर बन जा फोर, फोर टू जा एट फाइव गया तो थ्री, फोर थ्री जा ट्वेल्व फाइव गया तो सेवन टू आ जाएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन पंद्रह सब कट जाएगा तो एक बच जाएगा। ये बन गई दौड़ के लिए, पहले सिर्फ एक ही संख्या के लिए करते थे, अब दो संख्या है आ गया था समझ में हाँ या ना। अब देखो कंडीशन चेक करते जाइए, देखो पहले पहली कंडीशन आर प्लस योग के लिए फर्स्ट आर में देखते थे समर्थता, क्या देखते थे समर्थता। अब मैं ऐसे एक ही चीज बताऊंगा, समर्थता का मतलब कोई भी दो एलिमेंट हो और उनके बीच संक्रिय करोगे तो उसी का ही एलिमेंट आना चाहिए, बता दो इसमें इनके अलावा भी एलिमेंट आ रहेगा, आ रहा है योग में नहीं आ रहा वो समर्थ है योग के लिए, इसके लिए योग के लिए सात के लिए था आर टू, आर टू क्या थी सात के लिए था, सात के लिए था। देखो सात चीज तक देखो तीन एलिमेंट देखो मैंने ले लिए वन टू और थ्री, किसमें ले लिए आर में, देखो सात चीज देख कर रहा हूं वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल होना चाहिए वन प्लस टू प्लस थ्री के, देखो वन प्लस टू थ्री प्लस थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री फाइव, फाइव आ गई माइनस फाइव जीरो, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स आते फाइव माइनस कर देंगे वन, वन प्लस जीरो वन, सात चीज का नियम भी पालन हो गया हो रहा है। अगला समर्थता होगी सात चीज होगी तत्सम कवि आठ देखो तत्सम अवयव, देखो योग के लिए मैं जीरो का जीरो से ग्रुप जीरो आ रहा है, जीरो का वन से ग्रुप तो वन आ रहा है, जीरो का टू से ग्रुप टू आ रहा है, जीरो थ्री से ग्रुप थ्री आ रहा है, तो जीरो ऐसा एलिमेंट है जिसका मैं इनसे संक्रिय करता हूँ वही एलिमेंट आ रहा है, आ रहे नहीं आ रहे, जीरो ऐसा एलिमेंट है जिसके मैं इनसे संक्रिय करूँ तो वही एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया योग के लिए जीरो तत्सम अवयव है, तत्सम अवयव भी आ गया। अब हम देखेंगे क्या
प्रतिलोम व्यूह। क्या देखेंगे? प्रतिलोम व्यूह आर कोण। क्या देखेंगे? प्रतिलोम व्यूह। देखो प्रतिलोम व्यूह क्या होगा, समझना। प्रतिलोम व्यूह देखो, जीरो की जीरो से मैंने जीरो आ गया, वन की जीरो से करी, वन की मैंने करी फोर से दो जीरो आया, दसम व्यूह आना चाहिए। टू की मैंने करी थ्री से दो जीरो आया, थ्री की टू से करी दो जीरो आया, फोर की वन से करी दो जीरो आया। इसका मतलब जीरो का प्रतिलोम अवयव, जीरो तो दसम अवयव है ना, जीरो का लिखना ही नहीं। दसम अवयव कौन सा समूह अवयव होता है? पढ़ रहे हैं ना सर, ग्रुप में पढ़ाता है, कोई भी दसम अवयव है उसका प्रतिलोम अवयव भी दसम अवयव ही होता है। ये तो हम ग्रुप भी करेंगे। मुझे यहाँ देखो, वन की मैंने फोर से संख्या ली तो जीरो आ गया, वन का प्रतिलोम अवयव फोर और फोर का प्रतिलोम अवयव वन आया, वन का फोर और फोर का वन, देखो जीरो आ रहा है। टू का प्रतिलोम अवयव टू का प्रतिलोम अवयव टू से आ रहा है थ्री में जीरो, तो टू का प्रतिलोम अवयव थ्री और जी का प्रतिलोम अवयव टू, तो अपने को प्रतिलोम अवयव मिल गया। मिला नहीं मिला? अब एक और कंडीशन रहेगी, कौन सी? आवेली ग्रुप। कौन सी? आवेली ग्रुप आर फाइव। ये भी होगी सेटिस्फाई, ये भी होगी सेटिस्फाई। अब है आवेली, अब चेक करेंगे गर्म निजी मेहता। क्या चेक करेंगे? गर्म बी निजी मेहता। करम ये बेटा देखो, योग के लिए कर रहे हैं, अभी इसके लिए योग के लिए, ये वन की है कोमा है, योग के लिए करम ये बेटा देखो, मैंने दो एलिमेंट के लिए थ्री और फोर समुच्चय आर के अंदर, देखो थ्री प्लस फाइव फोर, फोर प्लस फाइव थ्री, देखो तीन और चार सात, सात में से पांच के दो, चार और तीन सात, सात में पांच के दो, मतलब आर फाइव सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन कि आर प्लस फाइव डॉट फाइव आबेली समूह है, पहला आबेली समूह वाली होगी। सारी एक एक चीज में इसमें तुम्हारे को बता दूंगा, वल्य बता दूंगा, तत्सम की वल्य बता दूंगा, कर्म निमित्त वल्य बता दूंगा, सारी वल्य बता दूंगा। शून्य बाधिक रही, शून्य बाधिक सही, सारी वल्य आ जाएगी जो लास्ट टाइम में डेफिनेशन करे थे। आगे इसका स्क्रीन शॉट लो, फिर अपन करते हैं गुणन के लिए। इसके लिए गुणन के लिए ले लिया, अब हम करेंगे गुणन के लिए, उसको मिटा दो। सेकंड
अब सेकंड गुणन के लिए फर्स्ट कंडीशन आर वन सर्वोच्चतम, सर्वोत्तम मतलब क्या हुआ, इसके सारे एलिमेंट लिए उनमें डॉट संख्या करवाई तो सारे एलिमेंट ये के लिए आने चाहिए, बता दो ये आ रहे क्या, आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सर्वोच्चतम होगी सेटिस्फाई। लिखना चाहो लिख दो, कुछ बताओ कैसे, जैसे मैंने लिया वन फोर टू बिलोंग करते हैं आर में, वन डॉट टू इक्वल टू टू वो भी बिलोंग करता है आर में, ऐसे कुछ भी एलिमेंट लिख दो। आगे फिर आर टू सात चलेगा किसके लिए, गुणन के लिए, गुणन के लिए सात चलेगा किसके लिए, सात चलेगा गुणन के लिए सात चलेगा। साथ ही लेता देखो आर वन आर टू देखो साथ ही लेता, मैंने ये तीन एलिमेंट वन टू और थ्री बिलोंग हुआ इसके लिए करेंगे, देखो वन डॉट फाइव टू डॉट फाइव थ्री इक्वल होना चाहिए वन डॉट फाइव टू डॉट फाइव थ्री के, ये होना चाहिए देखो वन डॉट टू टू वन जन टू डॉट फाइव थ्री, इधर देखो वन डॉट फाइव टू थ्री जन सिक्स सिक्स में तो फाइव जन वन, ठीक है देखो समझ आगे थ्री टू या सिक्स सिक्स इंट फाइव या वन वन बन गया वन इक्वल आ गया इक्वल सात चीज की प्रूफ हो गया हुआ नहीं आई चीज समझ में गई सात चीज हो गया। थर्ड बंटनता करनी है गुणन के लिए बंटनता करनी है थर्ड कौन सा नियम है बंटनता का नियम, देखो बंटनता का नियम क्या कहते हैं, देखो तीन एलिमेंट मिलो वही मैंने इस बार बड़े बड़े ले लो टू थ्री और फोर किसमें है आर में, बंटनता का नियम क्या कहते हैं टू डॉट फाइव थ्री प्लस फाइव फोर इक्वल होना चाहिए टू डॉट थ्री टू डॉट फाइव थ्री प्लस टू डॉट फाइव फोर के, टू डॉट फाइव थ्री प्लस फाइव टू डॉट फाइव फोर सॉल्व करते देखो थ्री प्लस फोर थ्री प्लस फोर सेवन सेवन प्लस फाइव के टू टू थ्री या सिक्स सिक्स में फाइव क्या वन टू फोर या एट एट में फाइव क्या थ्री टू मल्टीप्लाई टू फोर वन प्लस थ्री
बंटन का नियम भी सही से हो गया, हो गया नहीं हो गया, हो गया अर्थात ये तो लिखो सिद्ध करना है आर प्लस फाइव डॉट फाइव बने अर्थात हो गया अर्थात आर प्लस फाइव डॉट फाइव ए बने है क्या ए बने है आगे ये चीज हमने वले तो हो गया डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे अगली इसका स्क्रीन शॉट लो फिर चलते आगे चले आ अब हम करेंगे कर्म निधि में बजे सिक्स एंड नाइन की आर प्लस फाइव डॉट फाइव कर्म निधि में बले क्या है आर प्लस फाइव डॉट फाइव क्रम में बले ये प्रूफ करना है देखो क्या करेंगे हमने ये सिद्ध किया है कि आर प्लस फाइव डॉट फाइव एक वले है अब हमें सिद्ध करना है कि आर डॉट फाइव के लिए आर गुणन संक्रिया के लिए संक्रिया के लिए क्या है कि आर गुणन संक्रिया के लिए कर्म विधि में है क्या है कर्म विधि में क्या प्रूफ करना है अब हमें सिद्ध करना है कि आर गुणन संक्रिया के लिए कर्म विधि में क्योंकि योग के तो कर्म विधि में हो ही गया क्योंकि वो तो आवेदित था आवेदित रूप होते ही अपने आप ही कर्म विधि में हो गया मुझे गुणन के लिए बताना है गुणन के लिए देखो माना कि थ्री और फोर दो एलिमेंट है आर में देखो थ्री डॉट फाइव फोर इक्वल फोर डॉट फाइव थ्री थ्री फोर जब ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव कह दो सेवन सेवन फाइव कह दो टू फोर थ्री जब ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव कह दो सेवन सेवन फाइव कह दो टू इसका मतलब कर्म विधि में है क्या है अतः आर गुणन के लिए कर्म विधि में है अतः आर
प्रकार वने है। इसका मतलब देखो, हमने ये सिद्ध किया है कि r प्लस का डॉट बाई वाले है। योग के लिए कर्म विधि में मुझे कर्म विधि में वाले बताना है, मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि r जो है वो गुणन संक्रिया के लिए भी कर्म विधि में होगा। ठीक है, क्या माना? माना 3 और 4 r का डिपेंड है, 3.5 गुणन के लिए 4 इक्वल टू 4.53 आ गया 2 3 4 12 10 माइनस 2 5 प्लस 5 2 आ गया 4 3 जा 12 12 से 10 माइनस 2 2 आ गया इक्वल आ गया। इसका मतलब ये गुणन के लिए कर्म विधि में है, और गुणन के लिए कर्म विधि में है इसका मतलब क्या हो गया, वो एक कर्म विधि में था वजह होगी। क्या होगी? कर्म विधि में था वजह होगी। आइए चीज समझ में, इसका स्क्रीन छोड़ लो, फिर आगे चलते देखो। आ गया, चले आगे। अब करेंगे हम तत्संबंधी वाले, ये तो रहने दो, इसको डालो। हमने सिद्ध किया है कि r प्लस 5 डॉट 5 एक वाले है, तो हमें प्रूफ करना है कि r प्लस 5 डॉट 5 तत्संबंध की या इकाई अवयव सहित वल्य है। ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? तत्संबंधी या इकाई अवयव सहित वल्य है। ये प्रूफ करना है ना, देखो समझो। ठीक है, क्या लिखेंगे देखो, इकाई तत्संबंध की वल्य, अपन चेक करेंगे गुणन के लिए तत्संबंध का अवयव। देखो गुणन के लिए तत्संबंध अवयव समझ लो, देखो वो क्यों कोई एलिमेंट का आ रहा है, देखो 1 से संक्रिया करने पे 0.234 वो को कोई एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे इनको 1 से संक्रिया करने पे 0.234 इसका मतलब क्या हो गया, 1 इनके लिए इकाई तत्संबंध हो गया। देखो गुणन के लिए लिखना चाहते हो ऐसे लिख लेना, कोई एलिमेंट ले लिया 2 और मैं ले लिया 1 बिलोंग टू आर, तो 2.51 इक्वल टू 2 आ रहा है, 1.52 इक्वल टू क्या है, 2 आ रहा है। इसका मतलब 1 ऐसा एलिमेंट हो गया जो गुणन के लिए तत्संबंध अवयव है, अर्थात 1 गुणन
के लिए, गुणन के लिए दसम अवयव। गुणन के लिए दसम अवयव क्या हो गया? टू और वन। आर के एलिमेंट है टू डॉट बाई वन इक्वल टू टू इक्वल टू वन डॉट बाई टू टू। इसका मतलब इसके कोई भी एलिमेंट का मैं वन के साथ गुणन संक्रिया करूंगा तो वही एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब अर्थात वन गुणन के लिए दशम अवयव या इकाई अवयव है। क्या है? अवयव है। अच्छा आर प्लस फाइव डॉट फाइव में गुणन के लिए अर्थात आर प्लस फाइव डॉट फाइव में गुणन के लिए तत्सम अवयव विद्यमान है अतः वजह आर प्लस फाइव डॉट फाइव आर प्लस फाइव डॉट फाइव तत्सम्बन्ध की वजह या तत्सम्बन्ध की वजह या कौन सी इकाई अवयव सही वाले है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं दोबारा समझाता हूं। देखो ले लिया स्क्रीन शॉट। देखो क्या देख रहे थे, गुणन के लिए दशम अवयव। ठीक है, मुझे मिल गया वन। वन की मैंने इनके साथ संक्रिया कराई गुणन की, वही एलिमेंट आ गई। इधर भी वन की मैंने इनके साथ संक्रिया कराई, वही एलिमेंट आ गई। इसका वन जो है वो गुणन के लिए दशम अवयव या इकाई अवयव है। अर्थात आर प्लस फाइव डॉट फाइव में गुणन के लिए दशम अवयव विद्यमान है, अतः वजह आर प्लस फाइव डॉट फाइव दशम की वजह या इकाई अवयव सही वजह है। आगे इसी समझ में अब हम बढ़ेंगे कौन सी शून्य बाजे कहीं वजह।
देखो सुनने वाले नहीं बने, अब हम करेंगे सुनने वाले नहीं बने। क्या प्रकरण है सिद्ध करना है कि आर प्लस फाइव डॉट फाइव सुनने बाधक रहित या सही बने है, यह प्रकरण है। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या थी, देखो सुनने बाधक रहित की पहले तो सुनने बाधक रहित की लिखा, क्या थी कि a डॉट b इक्वल टू जीरो होगा, यदि a इक्वल टू जीरो होगा या b इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और a डॉट b नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये सुनने वाले रहित की थी, सुनने वाले चीज की देखो इक्वल्स की डेफिनेशन थी, a डॉट b नॉट इक्वल टू जीरो होगा कब, जब a नॉट इक्वल टू जीरो या b नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सुनने वाले से इसकी डेफिनेशन क्या थी, ठीक है देखो पहले सुनने वाले कही थी, सुनने वाले कही थे, सुनने वाले कही कर रहे थे, देखो देखो क्या हो गया यहां पे, कोई भी एलिमेंट ले लो, यदि a डॉट b जीरो है, मान लो मैंने एक एलिमेंट के लिए जीरो है ना, और a के लिए मैंने टू बिलोंग करते आ रहे, तो जीरो डॉट टू जीरो प्लस फाइव टू इक्वल टू क्या होगा, जीरो प्लस टू टू, उससे तो होगा नहीं है, जीरो हो ही गया। ठीक है ना, जीरो किससे होगा, देखो मैं लेता हूं इधर, क्या लूंगा, ये शून्य बाधक रहित की डेफिनेशन है, देखो करते पढ़ना कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ठीक है ना, कोई भी दो लोगे तो यदि मैं लेता हूं टू और थ्री बिलोंग टू आर, देखो टू डॉट फाइव इक्वल होगी किसके, 2.53 इक्वल हो गया 6, तो 6 प्लस 5 इक्वल 1, मतलब a डॉट b नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब a भी नॉट इक्वल टू 0 और a की वैल्यू क्या आ रही है 2 और b की वैल्यू क्या आ रही है 3, इसका मतलब ये थी a डॉट b नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन लग गई इसमें a डॉट फाइव थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, यानी वन आ रहा है, a भी जीरो नहीं होगा और या b भी जीरो नहीं होगा। आगे समझ में ये लगे, ऊपर वाली लगा के देखिए, ऊपर वाली लगा के देखो क्या ले, कोई भी एलिमेंट ले लो देखो, और क्या लोगे, जीरो डॉट फोर जीरो फोर जीरो, इसका मतलब क्या हो रहा है, जीरो फोर जीरो आ रहा है, मतलब
a इक्वल टू जीरो है और यहां और b इक्वल टू क्या है फोर। इसका मतलब देखो a इक्वल टू जीरो या b इक्वल टू जीरो हो गया ना, तो यही है क्या का मतलब, या तो a इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, b इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, यहाँ पे कोई है या तो a इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए या b इक्वल टू नॉट जीरो होनी चाहिए, दोनों पे जाए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अतः r प्लस फाइव डॉट फाइव शून्य बाधित रहित वाले हैं। अतः r प्लस फाइव डॉट फाइव शून्य बाधित रहित वाले हैं। आगे समझे, देखो आराम से a डॉट b नॉट इक्वल टू जीरो, देखो a डॉट फाइव थ्री नॉट इक्वल टू जीरो बना रहा है, तो a भी जीरो नहीं होना चाहिए या b जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, एक तो नहीं होना चाहिए। सेकंड a डॉट b जीरो आ रहा है, जैसे जीरो डॉट फाइव फोर इक्वल टू जीरो, तो एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, या तो a इक्वल टू जीरो या b इक्वल टू जीरो या आ रहा है इक्वल टू जीरो। इसका मतलब शून्य बाधित रहित की डेफिनेशन यूज हो रही है यहाँ पर और ही नहीं हो रही। आगे सब में मैंने जो बताया था, मैंने बताया था बल्ले और फिर तत्समय की बल्ले कर्म में निमित्त बल्ले, उसके बाद शून्य बाधित रहित बल्ले और सहित बल्ले, ये रहित थी एग्जाम्पल समझा दिया, और बुक में चार पांच एग्जाम्पल है, बार बार प्रैक्टिस करो, एंट्रेंस के एग्जाम को भी एमएससी का उसमें आती हुई है, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ले लिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया आज इस क्लास में, ठीक है, आगे जो डेफिनेशन है वो थोड़ी लेंथी है, इस क्लास में लेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बाकी जो डेफिनेशन है वो अगली क्लास में करेंगे और डेफिनेशन को इस एग्जाम्पल से प्रूव भी करेंगे, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।